जैसे हमने पहले एक, एक एडवाइजरी जारी की थी फोरकास्ट भी एक हफ्ते से हम लगातार अपडेट दे रहे थे कि पांच तारीख से जो डब्ल्यू आ रहा है पांच तारीख के शाम से सात तारीख के शाम तक ही इसका असर रहेगा आज रात को हमें वाइड सेपरेट रेन मिल गई मॉडरेट और पूंछ में तो 51 मिलीमीटर mm का रेनफॉल रिकॉर्ड हो गया अपरिजीज पे लगभग हर जगह सुनो ही है लेकिन हमने पहले भी कहा था कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ सिर्फ बारिश होगी ऐसा ही हो रहा है इन तो आगे भी आज फिर दोपहर के बाद फिर सिस्टम जोर पकड़ेगा और आज शाम को फिर हमको अच्छी बारिश मिलेगी कल दोपहर तक कल दोपहर के बाद इसका असर कम हो जाएगा लेकिन कम जाते जाते कल शाम तक ही क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आठ तारीख को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आठ तारीख की शाम को एको डब्ल्ल्यू डी जो कि लाइन में चल रहा है तो उसका असर हमें आठ तारीख के शाम से मिलेगा दस तारीख की सुबह तक वो भी ऐसा ही मानिए इसी नबीयत का मॉडरेट रेनफॉल वाइड सेपरेट उसमें भी हो जाएगा पे स्नोफॉल ही हो जाएगा बाकी रात का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरेगा लोअर नहीं हो सकता है क्योंकि क्लाउडी है तो आपको ज़्यादा ठंड अभी महसूस न होगी लेकिन जब ये डब्ल्यू डी दोनों पास हो जाएंगे उसके बाद दस ग्यारह तारीख से से क्या होगा तो उसके बाद से ठंड का मतलब नाइट टेम्परेचर डिप हो जाएंगे लेकिन इस वक्त जो दिन में क्लाउडी नेस की वजह से दिन का टेम्परेचर पाँच से सात डिग्रियाँ नॉर्मल से नीचे रहेगा उस तरीके से हमें दिन को ठंड महसूस हो रही है अदरवाइज मौसम ठीक है ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है खासकर बागवान माल के लिए ये खुशखबरी है कि मतलब आवर अपर रीचेस में ही स्नोफॉल हुआ नीचे नहीं हुआ तो जैसे भी हमने कहा था पहले भी लेकिन हमने उनसे पहले भी गुजारिश की थी कि अपना ये जो हार्वेस्ट का सीजन है ये टाइम पे टाइम ताँप बाउंड करो क्योंकि हमने एक हफ्ते का फोरकास्ट पहले दे दिया दे, दे था हमने कि इकतीस तारीख तक कुछ भी नहीं होने वाला है ड्राई रहेगा आप अपना वो भी कितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया है जिसको आगे भी सोचना है कर सकता है कुछ दस ग्यारह तारीख से पंद्रह तारीख के बीच में एक वो ड्राई स्पेल आएगा उसमें बाकी का काम वो देख सकते